नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे थिंक एंड विन लाइक धोनी स्फूर्ति शाहरे द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि धोनी कठिन फैसले कैसे करते हैं। इस किताब के बारे में आगे जानने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको किन्हें किन्हें ये पढ़ना चाहिए या फिर इस कहानी को जानना चाहिए। अगर आप अपने अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये पुस्तक अनिवार्य कही जा सकती है। नेतृत्व क्षमता काफी दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपको भेड़ चाल से अलग चलना होता है, क्योंकि फैसला आपको करना होता है, इसलिए फैसले की जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होती है। फैसले के सही होने पर उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर आपको शाबाशी दी जाती है और फैसला गलत होने पर उनकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है और साथ ही आलोचनाओं का भी जवाब भी देना होता है। किसी सामान्य व्यक्ति को क्रिकेट मैदान पर लिया गया फैसला सिर्फ एक तुक्का सा लगता है, पर इस पुस्तक को पढ़ते हुए यह बात समझ में आती है कि फैसले करने वाले के मन में उस फैसले से जुड़े सारे नफे नुकसान होते हैं। वह फैसला एक विश्लेषण के बाद लिया जाता है और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है यह विश्लेषण और सटीक होता चला जाता है। शायद इसलिए कहा गया है कि अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। यस, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। धोनी की काबिलियत किसी से छिपी नहीं है। उनके जीवन और संघर्ष की कहानी तो आपने देखी होगी। अब जानते हैं इस किताब के माध्यम से, जो कि हम सबको जानना और एक स्टूडेंट लाइफ, एक बिजनेसमैन और सभी के लिए जो भी कॉमन मैन है उनको लिए भी जानना ये बहुत जरूरी है ताकि अपने लाइफ में सही डिसीजन वो ले सके। चलिए समझते हैं इस किताब के बारे में। साथ ही इस किताब के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा, कठिन परिस्थितियों में दिमाग को शांत रखना, मिलने वाली असफलताओं का सारा श्रेय टीम को देना और मुश्किल दौर में सबसे आगे खड़े रहना, ऐसे ही कुछ विशेषताएं हैं इस किताब की। और साथ ही बता दूं, इस किताब के मुख्य अध्याय के पढ़ने के बाद हम लोग मुख्य बिंदु को भी देखेंगे अंत में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस किताब की सारांश को। क्रिकेट मैदान पर और उसके बाहर के अनुभवों पर आधारित इस पुस्तक में धोनी ने कई घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। यह पुस्तक 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में धोनी शहीद दृष्टिकोण की बात करते हैं। धोनी के मुताबिक वह कहानी का सकारात्मक पहलू देखने में विश्वास रखते हैं। आशावादी होना सफल होने की पहली शर्त होती है। अगर आपकी सोच ही सकारात्मक नहीं हो तो लक्ष्य नामुमकिन ही लगता है। इसी कड़ी में उन्होंने फॉर्म की व्याख्या भी की है। धोनी कहते हैं कि किसी ने फॉर्म नहीं देखी है, यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप विश्वास रखते हैं और बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं। चलिए दूसरे अध्याय के बारे में समझते हैं। दूसरे अध्याय में लक्ष्य की बात की गई है। धोनी अल्पकालीन लक्ष्य करना पसंद करते हैं जो विश्वसनीय और साध्य हैं। स्फूर्ति जी धोनी की लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति को समझने के लिए उनसे पूछती हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी 2020 मैच में 200 रनों का लक्ष्य मिला है तो आपकी रणनीति क्या होगी। इस विषय पर धोनी का जवाब वाकई गौर करने वाला होता है। धोनी कहते हैं, मेरी सबसे पहली कोशिश एक सरल योजना बनाने की होती है। 20 ओवर में 200 रन एक बड़ा जोड़ है तो मैं गेंदों और रनों के अनुपात की गणना करता हूँ। औसतन मैंने ये माना है कि हमारी टीम किसी मैच में 20 चौके मार सकती है। इसका अर्थ है कि 20 गेंदों में 80 रन, फिर टारगेट बचता है 100 गेंदों में 120 रन। यह ज्यादा आसान और साध्य लगता है। अगर मैं इसे देख सकता हूँ तो इसे प्राप्त भी कर सकता हूँ। इस उदाहरण के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि धोनी इतने धमाकेदार बल्लेबाज होने के बावजूद भी दौड़कर 2-3 रन लेने की मशक्कत करते दिखाई देते थे। मैदान पर देखे गए असंख्य उदाहरणों के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि उनकी यह रणनीति कारगर साबित हुई है। शायद लक्ष्य निर्धारण के यही गुण किसी लीडर को निर्धारित करते हैं। तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं। धोनी कहते हैं कि मैं मैदान में 100% से ज़्यादा देने में विश्वास रखता हूँ और मैं वास्तव में परिणामों के बारे में चिंता नहीं करता। अगर मैदान में बढ़िया कंपटीशन है तो वह मेरे लिए जीत है। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि 14 अध्याय में बताया गया है। वर्तमान में रहने का संदेश दिया गया है इसमें। अगर आप वर्तमान में रहते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और प्रोसेस कर ध्यान रखते हैं, आप दबाव को ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया को जारी रखने से आप ना तो अतीत में फंसेंगे, ना ही भविष्य में उलझेंगे और ना ही सोचेंगे कि अंत में क्या होगा।
थिंक एंड विन लाइक धोनी की अंतिम अध्याय में एक उत्तम नेता के गुणों की चर्चा की गई है, जो कि मानव संसाधन को प्रबंध करना कोई धोनी से सीख सकता है। धोनी नेतृत्व तो करते हैं, परंतु किसी बॉस की तरह नहीं। वह अपने साथी खिलाड़ियों को सोचने समझने का मौका देते हैं। नाजुक मोड़ पर कठिन फैसले लेना ही किसी नेता की असली परीक्षा होती है, और धोनी ने कई बार खुद को एक काबिल लीडर के रूप में साबित किया है, ये कहने की जरूरत नहीं है। चलिए इस किताब के मेन पॉइंट को अब समझते हैं। 5 अध्याय को हम लोगों ने जान लिया है, अब इस सारांश को हम लोग समझने के बाद जानेंगे मुख्य बिंदु क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट को जानते हैं, अपने दिमाग को अच्छी तरह से कंडीशनिंग करना। धोनी आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। धोनी कहते हैं कि कभी कभी मेरा दिमाग उन जगहों पर भटक जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं इसे नोटिस करता हूं, फिर मैं इसे गेम पर वापस लाता हूं। वर्तमान में जीने से सारे बोझ हट जाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। मेरे लिए हर गेंद एक नया अवसर है। माही इस बात से वाकिफ है कि हर समस्या का समाधान तेज गति से नहीं ढूंढा जा सकता, इसे व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। कभी कभी समस्या से अलग होने से नकारात्मक विचार और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले पूर्वग्रह दूर हो जाते हैं। चलिए दूसरी मुख्य बिंदु के बारे में समझते हैं, जो कि योजना, दृष्टिकोण और निष्पादन के बारे में है। धोनी प्रक्रिया के गहरे विश्वासी हैं। उनके अनुसार प्रक्रिया खेल जीतनी है, योजना अंतर्ज्ञान पूर्वानुमान से बचा नहीं जा सकता। इन्हें पहले किया जाना चाहिए ताकि हम इसमें प्रवेश करने से पहले ही जीत सकें। योजना के अच्छे होमवर्क से माही को साहसी बनाने का रवैया तैयार करने में मदद मिलती है, लेकिन सही एटीट्यूड के साथ वह इन सभी से लड़ना पसंद करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि नेतृत्व पर बताया गया है। माही टीम के साथ जितना संभव हो उतना ईमानदारी के साथ रहते हैं और अभ्यास करते हैं और उच्च मात्रा में विश्वास रखते हैं और टीम के साथियों के साथ खड़ा रहते हैं। वह सुनिश्चित करता है कि एक बार टीम के सदस्यों की जांच हो जाने के बाद वे जीत और सर्वश्रेष्ठ खेलने के सामान्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वे टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं, साथ ही सामने से लीडिंग भी करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, बेस्ट फिनिशर के बारे में। ज़्यादातर लोग कुछ शुरू करते हैं लेकिन कहीं बीच में वे भाव खो देते हैं। लोगों में नौकरी के बीच में फोकस और निरंतरता खोने की प्रवृत्ति होती है। माही हिम्मत नहीं हारते और जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता वह तब तक डटे रहते हैं। वो साथी कहते हैं, जीवन में हर चीज की शुरुआत और अंत होता है। किसी व्यक्ति के लिए प्रारंभ से ही समापन बिंदु को पहचाना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी समरी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।